हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज, इंजीनियरिंग की जो अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। एंड इसके बाद गाइज, जो एक्चुअल कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। जो कैप राउंड की डेट्स है वो अब रिलीज़ हो चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, साथ ही में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट कब रिलीज़ होगी इसकी भी ऑफिशियल जो डेट्स है वो आ चुकी है। तो क्या है गाइज, ये डेट्स कब आपके कैप राउंड्स रहेंगे, कब कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कब ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइज़, आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड क्लिक कर लेना है बीई बीटेक पे। तो यहाँ पे फिर गाइज़ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स में सारे जो डेट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, 11 तारीख तक हमारी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइज़, फाइनली हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 14 तारीख को अब जो है वो रिलीज़ होगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर इसमें आपको कोई भी जो मिस्टेक है वो देखने को मिलती है तो आप इसमें जो चीज़ है वो एडिट कर सकते हो, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या फिर मार्क्स वगैरह में मिस्टेक होती है तो। तो जब भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी तब सारी जो डिटेल्स है वो सही से चेक करना, एंड कैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। फिर आपको ग्रीवरेंस के लिए 15 से लेके तो 17 तारीख तक जो टाइम है वो दिया जाएगा। एंड फाइनली 19 तारीख को हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, जिससे हमें फाइनली पता चल जाएगा कि हमारा जो रैंक है वो क्या रहने वाला है। एंड बेसिकली जो कॉलेजेस है वो रैंक के बेसिस पे मिलते हैं, तो रैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 19 तारीख को आपको फाइनल रैंक पता चल जाएगा, साथ ही में 19 तारीख को हमारी एक जो सीट मैट्रिक्स है वो भी रिलीज़ होगी। अब सीट मैट्रिक्स होती है जिससे हमें पता चलता है कि कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स अवेलेबल है, कितनी सीट्स रिजर्व्ड है पहले से ही, कोई न्यू ब्रांच अगर ऐड होती है किसी कॉलेज में तो वो सब कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होता है सीट मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हम देखेंगे जब रिलीज़ होगी तब। एंड फिर गाइस, 20 तारीख से हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। 20 तारीख से लेके तो 22 तारीख तक गाइस, यहाँ पे कैप राउंड का जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करने के लिए जो टाइम है वो दिया हुआ है। मतलब आपको 20 से लेके तो 22 तारीख तक अपने कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो अपने लॉगिन के थ्रू वहाँ पे पूरा जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा एंड सबमिट करना पड़ेगा। तो कैप राउंड का पूरा जो फॉर्म है वो कैसे भरते हैं, कैसे आपको कॉलेजेस के प्रेफरेंस देना है, कैसे आपको अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को अरेंज करना है, इसके ऊपर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो हो जाएगी। एंड गाइस, फिर 25 तारीख को फाइनली हमारा जो रिजल्ट है कैप राउंड 1 का वो लग जाएगा, जिसे हम अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं। 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है या फिर नहीं। अगर होता है एंड उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप अपना जो एडमिशन है वो अगले दिन जो है वो कंफर्म कर सकते हो। लॉगिन में आपको सारे जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे, जैसे बेटरमेंट आता है, फिर फ्रीज़ का ऑप्शन आता है एंड एक नॉट फ्रीज़ का ऑप्शन आता है, तो जो भी आपको लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इन ऑप्शंस का डिटेल में क्या मीनिंग होता है इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, वो देख लेना, उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको 26 से लेके तो 28 तारीख तक का जो समय है वो दिया जाएगा। एंड जब भी आप एडमिशन कंफर्म करोगे तो आपको फिजिकली उस कॉलेज में जो है वो जाना पड़ता है, तो इसका ध्यान में रखना। नेक्स्ट है गाइज, फिर ये कैप राउंड 1 ख़त्म हो जाएगा यहीं पे ही एडमिशन कंफर्म होने के बाद। फिर 29 तारीख को कैप राउंड 1 ख़त्म होने के बाद कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स बाकी है इसकी एक जो लिस्ट है वो आती है, उससे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। एंड फिर 30 तारीख को हमारा जो कैप राउंड 2 है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको फिर से कॉलेज के जो नाम है वो डालना पड़ेगा, जो आपने कैप राउंड 1 में डाले थे वैसे ही अगर आपको सेम लिस्ट डालना है तो आप वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड उसमें अगर कुछ एडिट करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो कैप राउंड 2 का रिजल्ट है वो लग जाएगा, जिसे हम अलॉटमेंट लेटर 2 बोलेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैप राउंड 2 में आपको जो है वो कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं। अगर आपको कैप राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होता है, जो कॉलेज आपको चाहिए वही अगर आपको मिल गया तो आप एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। एडमिशन कंफर्म कर लिए फिर यहाँ पे 4 अगस्त से लेके तो 6 अगस्त तक का जो टाइम है वो दिया हुआ है। एंड फिर ये होने के बाद, एडमिशन कन्फर्म होने के बाद, फिर कैप राउंड 3 की जो सारी चीज़ है वो शुरू हो जाएगी। पहले तो वैकेंसी लिस्ट आएगी, जिससे पता चलेगा कि कैप राउंड 2 के बाद कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है, ये 7 तारीख को हमें पता चलेगा। एंड 8 तारीख से लेके तो 10 तारीख के बीच में फिर हमें कैप राउंड 3 के लिए जो हमारा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो ऑप्शन फॉर्म है वो करना पड़ेगा। एंड फाइनली 12 तारीख को हमारा जो रिजल्ट है कैप राउंड 3 का वो जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपको कॉलेज लगा है तो आप जो है वो अपना एडमिशन जो है वो कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमारे 3 जो कैप राउंड्स है वो इस साल रहने वाले हैं। कैप राउंड 3 ख़त्म होने के बाद गाइस, जो वैकेंट अगेंस्ट कैप वाला जो राउंड है वो शुरू होता है, जिसकी आप जो डेट्स है वो यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में मैं डिटेल
डिटेल बात करूंगा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो आगे देखने को मिल जाएगा, जैसे ऑटो फ्रीज क्या होता है, फिर सेल्फ फ्रीज, बहुत सारी चीज़ें, बेटरमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस देने में कौन सी मिस्टेक नहीं करना है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो पूरा जो इंटरफेस है वो कैसा रहता है, कैसे कॉलेजेस आप सर्च कर सकते हो, वो भी हम डिटेल में देखेंगे, तो उसका टेंशन मत लीजिए। फिलहाल तो अभी आपको मतलब 2-3 दिन का आराम है, 14 तारीख तक रुको, पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें डिटेल चेक करना, फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक आपको फिलहाल तो जो है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तब आप जो है वो कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, एंड अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेजेस आपको लग सकते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करो, तो जब कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो होगी, नहीं तो एकदम टाइम पे करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज 300 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जो लिस्ट वगैरह वो मिल जाएगी जिसका फ्री में आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आने वाले कैप राउंड प्रोसेस से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।